काश ये गलती ना करते केके, तो शायद आज उनकी जान बच जाती। निधन से पहले का केके का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उन्हें कितनी घुटन महसूस हो रही है। वो तौलिए से अपना मुंह पोंछ रहे हैं और फिर एक शख्स उनसे कहता है, गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके बाद केके एक शख्स के कान में कहते हैं कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी भी कुछ काम नहीं कर रहा। केके ने कल रात 7 बजे से 9 बजे तक कोलकाता के गुरदास कॉलेज में परफॉर्म किया था। इस दौरान उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ उछल उछल कर गाने गाए। वो हमेशा अपने स्टेज शो में इसी तरह परफॉर्म किया करते थे। 9 बजे के बाद केके ने स्टेज छोड़ा तो उनकी हालत देखिए, साफ साफ ऐसा लग रहा है कि केके बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके चेहरे पर कितना पसीना है और हाव भाव भी बदले हुए हैं। यहाँ से उतर कर केके सीधा कार में बैठकर होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के तुरंत बाद उनके सीने में अचानक दर्द होने लगा, उन्हें बेहोशी छाने लगी। इसके बाद उनकी टीम के लोग उन्हें लेकर अस्पताल भागे। 5 किलोमीटर दूर CMRI पहुंचने से पहले ही केके ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। केके ने आखिरी बार स्टेज पर अपना गाना हम रहें या ना रहें कल याद आएंगे ये पल गाया था। हालांकि केके के कार्यक्रम में सबसे बड़ी चूक थी यहां ऑडिटोरियम में जगह से ज्यादा लोगों का इकट्ठा हो जाना। आप देख सकते हैं कि ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा हुआ है। इतना ही नहीं, स्टेज पर भी बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं। गाना गाना सांस का खेल है और उसमें भी लगातार 2 घंटे तक परफॉर्म करना और भी ज्यादा मुश्किल है। भरी गर्मी में घमस होने के बावजूद केके परफॉर्म करते रहे। ऑडिटोरियम पूरा बंद था, इसलिए ज्यादा लोग होने से गर्मी बढ़ती चली गई। यही वजह रही कि केके की तबीयत इवेंट से ही करना शुरू हो गई और होटल पहुंचते ही उनके सीने में दर्द उठ गया। डॉक्टर से हार्ट अटैक मान रहे हैं, लेकिन पूरी तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। एक चूक की कीमत केके को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।